प्रकाश so, तो जो जो तो की, की गति क्या है रिमेम्बर इट इज दी इंटू टेन टू टू पार एट मीटर पर सेकेंड लाइट जो होता है ये सबसे स्पीड में भागता है वैक्यूम में वैक्यूम में एंड वैक्यूम में जो स्पीड होता है दैट थ्री इंटू ट्वेंट्री पर एट मीटर पर सेकेंड एंड लाइट सूरत से अर्थ तक आने के लिए लगता है एट मिनट नाइनटीन सेकेंड एंड मून से अर्थ तक आने के लिए लगता है वन मिनट ट्वेंटी एट सेकेंड एंड दिस लाइट ये जो लाइट होता है इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेटिक वेफ बट साउंड को बोलते हैं दैट इज द उंड इज लंगी ट्यूडिनल एंड लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट का जो स्पीड होता है सबसे ज्यादा पर सेकेंड विच टाइप ऑफ लेंस इज यूज इन द मैग्नीइंग ग्लास देखिए मैग्नीफाइंग ग्लास हम लोग किसको बोलते हैं बचपन पे हम लोग ऐसे एक लेंस लेके इसमें सूरज की रोशनी डाल के एक पेपर को जलाते थे तो उसको बोलते थे हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लास एंड ये जो मैग्नीफाइंग ग्लास दिस इज द कॉन्वेक्स रिमेम्बर कॉन्वेक्स होता है जिसका दोनों साइड थोड़ा ऊपर उठा हुआ होता है उसको बोलते हैं लेंस लेंस एंड ये हम कहां -कहां पर यूज करते हैं गाड़ी की बैक साइड इमेज देखने के लिए मीन्स साइड मिरर में हम लोग गाड़ी की यूज करते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास की सबसे भी हम लोग कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं और एक कॉनकेब लेंस है जिसकी दोनों साइड केव जैसा बना हुआ रहता है तो इसको बोलते हैं कॉनकेव लेंस एंड कॉनकेव लेंस हम लोग गाड़ी में जो हेडलाइट में रिफ्लेक्टर लगा हुआ रहता है वो भी एक कॉनकेव लेंस होता है एंड डेंटिस्ट जो दांत वगैरह देखने के लिए यूज करते हैं वो भी एक कॉनकेव लेंस होता है सर्च लाइट हो गया सेविंग uh, करने के लिए मिरर हो गया दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द कॉनकेव लेंस and so correct answer will be that is the convex lens is used in the magnifying glass and also remember that what uh, are the primary color primary color kya hota hai light mein remember that is the red blue and green अगर prism में मैं एक बार light को डाल दो तो दूसरे side में सात color निकलता है ये process को बोला जाता है the dispersion of light and ये जो light रहता है सबसे ज्यादा जिसका वेवलेंथ लेंथ रहता है दैट इज द रेड एंड सबसे कम जो वेवलेंथ लेंथ रहता है दैट इज द वाउलेट दैट मीन रेड बहुत दूरी तक दिखाई देता है इसलिए रेड को हम लोग ट्रैफिक पोस्ट में भी यूज करते हैं सो मैग्निफाइंग ग्लास हम लोग कहां पर यूज करते हैं दैट इज द कन्वेक्स लेंस नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा है इलेक्ट्रिक बल्ब इलेक्ट्रिक बल्ब में हम लोग कौन सा टाइप का एलोय यूज करते हैं रिमेंबर इट इज द टन वाई टन बिकॉज ये जो टंक्स्टन होता है इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत ही ज्यादा होता है इसीलिए कितना भी वोल्टेज का बल्ब आप जला दो एंड वो बल्ब में कितना भी हिट एनर्जी जेनरेट हो जाए बाकी वो इलेक्ट्रिक का जो टंक्स्टन होता है उसको नहीं जला पाएगा पाएगा एंड रिमेंबर इलेक्ट्रिक करेंट का यूनिट क्या है एम्पियर एंड एम्पियर को मेजरमेंट करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक करेंट का जो सबसे अच्छा कंडक्टर होता है दट इज दिल्वर सिल्वर एंड कॉपर आर द बेस्ट कंडक्टर फॉर द इलेक्ट्रिसिटी ओम्स लॉ डिफाइन ओम्स लॉ क्या बोलता है रेजिस्टेंस करेंट वोल्टेज और ऑल ऑफ दॉ होता है क्या इन ए कॉन्स्टेंट टेम्परेचर अगर टेम्परेचर कंस्टेंट है तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू ये पोटेंशियल डिफरेंस को बोलते हैं हम लोग वोल्टेज दैट मींस वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट सो दैट इंप्लाइज भीवल टू आई इन टू आर इज द प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट एंड नोन एज द रेजिस्टेंस सो ओम्स ली इक्वल टू आई इन टू इसमें से तीन चीज हमको मिल गया वोल्टेज करेंट एंड रेजिस्टेंस सो ऑल ऑफ द द इज करेक्ट आंसर एंड ऑल्सो रिमेंबर वोल्टेज की यूनिट है वोल्ट एंड इसको मेजरमेंट करने के लिए हम लोग वोल्ट मीटर यूज करते हैं करेंट की यूनिट है एम्पियर एंड इसको मेजरमेंट करने के लिए हम लोग एमीटर की यूज करते हैं एंड रेजिस्टेंस की यूनिट है ओम एंड इसको मेजर करने के लिए हम लोग ओम मीटर की यूज करते हैं सो रिमेंबर ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा है हियरिंग हियरिंग रेंज रेंज ऑफ द ह्यूमन देखो hearing range मतलब क्या है जिस रेंज की साउंड को हम लोग सुन सकते हैं सो रिमेंबर ट्वेंटी टू ट्वेंटी थाउजेंड तक एक ह्यूमन बींग सुन सकते हैं अगर साउंड ट्वेंटी हर्ट्स से कम हो गया तो इसको बोलते हैं इंफ्रासोनिक साउंड जैसे कि भूकंप हो गया एंड तिमी जो तिमी माच होते हैं तिमी फिश होते हैं ये लोग सुन पाते हैं बिलो दो ट्वेंटी हर्ट्स, जिसको हम बोलते हैं इंफ्रा साउंड अगर 20 हजार से ज्यादा हो गया तो उसको बोलते हैं अल्ट्रा रेड साउंड अल्ट्रा रेड साउंड कौन सुन पाता है जैसे कि बैट हो गया बैट ये सुन पाता है एंड ये जेनरेट भी कर पाता है बैट सो रिमेंबर ऑडिबल साउंड कितना होता है ट्वेंटी टू ट्वेंटी थाउजेंड एंड ये जो साउंड होता है इसका सबसे ज्यादा स्पीड किस में होता है सॉलिड में एंड जो सबसे कम स्पीड होता है वैक्यूम में होता है वैक्यूम में So, इसीलिए जब ट्रेन में ट्रेन की पटरी में हम लोग कान देते हैं तो सबसे पहले हमको साउंड सुनाई देता है सो रिमेंबर सलिड में सबसे ज्यादा एंड गैस में सबसे कम एंड हॉर्च इज हॉर्च इज द यूनिट ऑफ द फ्रीक्वेंसी साउंड का जो वेव होता है हम उसको फ्रिक्वेंसी बोलते हैं एंड हॉर्च इज द यूनिटी ऑफ द फ्रीक्वेंसी एंड साउंड को हम लोग नापते हैं डेसीबेल दैट इज द डेसिवेल डेसीबल में हम लोग नापते हैं साउंड को So, correct answer will be option number D is the correct answer. And also remember, sound is a longitudinal wave. Sound is a longitudinal wave, but light is a electromagnetic wave. Which is the following is the heaviest ray. So remember, this is the alpha ray, alpha ray is the heaviest ray, and alpha ray ko bolte positive charge particle, positive charge particle. एंड बिटर रे को बोलते हैं नेगेटिव चार्ज पार्टिकल एंड गामा रे को बोलते हैं दीज आर द न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए दैट इज द दल्फा रे इज द अल्फा रे द वैल्यू ऑफ द जी इज मिनिम जी का वैल्यू मिनिमम कहां पर है देखो पहले जी क्या होता है जी मीन्स ग्रेविटी राइट अगर ये वर्ल्ड की सरफेस हो गया अर्थ की सरफेस हो गया सरफेस से ऊपर जाओगे तो भी जी का वैल्यू डाउन होगा सरफेस को नीचे जाओगे गड्ढा खोल के तब भी जी का वैल्यू डाउन होगा तो रिमेंबर सबसे ज्यादा रहता है जो जी का वैल्यू ग्रेविटी का वैल्यू वो कहां पर रहता है सरफेस में रहता है और सरफेस में कहां पर रिमेंबर दिस इज द पोल जो सबसे ऊपर वाला टॉप वाला हिस्सा होता है उसको बोलते हैं पोल तो ये पोलर रीजियन में जी का वैल्यू सबसे ज्यादा होता है एंड ये जो बीचो बीच वाला एरिया इसको बोलते हैं इक्वेटर इक्वेटर में सबसे कम होता है सो रिमेंबर करेक्ट आंसर विल बी इक्वेटर मिनिमम वैल्यू कहां पर इक्वेटर पे एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द जी रिमेंबर 9.8 पॉइंट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स वन एमस्ट्रॉग इज इक्वल टू वन एमस्ट्रॉग बेसिकली डिस्टेंस की जो यूनिट होता है उसको हम एमस्ट्रॉग बोलते हैं एंड टेन इंटू टेन टू दावर माइनस टू पावर माइनस टेन मीटर इज वन एमस्ट्रॉन्ग पूछा है, व एसआई यूनिट ऑफ द की वार्क SI यूनिट क्या होता है सो रिमेंबर वर्क की एसआई SI यूनिट होता है दैट इज द जूल द जूल एंड मैं अगर पूछता हूं कि जो वर्क होता है इसका सीजीएस यूनिट क्या होता है सो so रिमेंबर

एंड हमारे पास दो टाइप का यूनिट होता है वन इज फंडामेंटल यूनिट एंड अनदर इज योर डिराइव्ड यूनिट फंडामेंटल यूनिट वो होता है जो बेसिक्स यूनिट होता है सेवन फंडामेंटल यूनिट है जैसे कि लेंथ लेंथ की जो यूनिट है वो मीटर होता है मास मास की जो यूनिट होता है वो के होता है टाइम की जो यूनिट होता है वो सेकेंड होता है इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट होता है वो होता है दैट इज द एम्पियर टेम्परेचर की जो यूनिट होता है वो होता है केल्विन वो होता है केल्विन देखो हमारे पास काफी सारा टेम्परेचर की यूनिट है जैसे कि आप देख सकते हो कि सेल्सियस हो गया केल्विन हो गया फारेनहाइट हो गया बहुत सारा रहता है लेकिन जो ऐसा ही यूनिट होता है दैट इज द केल्विन सो रिमेंबर टेम्परेचर की ऐसा यूनिट क्या होता है केल्विन एंड लुमिनियस इंटेंसिटी की यूनिट क्या होता है दैट इज द कैंडेला एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट दैट इज द मोल दैट इज द मोल एंड यूनिट वो होता है जो ईसाई यूनिट से निकाला जाता है जैसे ई आरजी अर्ग किसका डिराइवेड यूनिट होता है दैट इज द यूनिट ऑफ द वर्क वर्क की यूनिट अर्ग भी होता है लेकिन ये यूनिट और इसको सी जी एस यूनिट भी बोला जाता है सो रिमेंबर करेक्ट आंसर विल बी दैट इज द जूल वर्क की यूनिट क्या होता है दैट इज द जूल नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा है वट इज द फॉलोइंग इज ए स्केलर क्वांटिटी देखो सबसे पहले स्कैलर क्वांटिटी क्या होता है जिसके अंदर में ओनली मैग्नीट्यूड होता है कोई एक चीज की सिर्फ आपको वैल्यू पता है बाकी डायरेक्शन स्केलर क्वांटिटी बट जिसमें मैग्नीट्यूड एंड वैल्यू मैग्नीट्यूड एंड क्वांटिटी दोनों पता रहता है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों पता रहता है उसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी रिमेंबर स्केलर क्वांटिटी किसको बोलते हैं जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड अवेलेबल रहता है मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू उसका वैल्यू पता रहता है वेक्टर क्वांटिटी किसको बोलते हैं जिसमें बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों रहता है उसको हम लोग बोलते हैं दैट इज द वेक्टर क्वांटिटी सो रिमेंबर हियर इज द नज द करेक्ट आंसर क्योंकि वेलोसिटी हो गया एक्सिलेशन हो गया फोर्स हो गया दे ऑल आर द वेक्टर क्वांटिटी देखो स्केलर क्वांटिटी को याद रखने के लिए मेरे पास एक ट्रिक है याद रखने के लिए दो चीज है क्वान्टिटी भी है एंड डायरेक्शन भी है तो क्या करेगा अपना बच्चा को डीएबी में पढ़ाएगा हाई फाई इंग्लिश स्कूल सो रिमेंबर डी स्टैंड फॉर डिस्प्लेसमेंट ए स्टैंड फॉर एक्सलेशन B stands for velocity, F stands for force, MA stands for momentum, and T stands for torque. DAB FMT vector quantity and OE, MSP, TB. W for work, E for energy, MA for mass, S for speed, P for power, and T for that is the time, and B for volume. OE, MSP, TB is the example of the that is the. vector scalar quantity so remember none of the above is the scalar quantities. kilowatt hour is the unit of watt. so remember kilowatt hour is the unit of the that is the power. power basically घर में हम लोग जो use करते हैं तो उसको हम power बोलते हैं and ये जो power होता है watt में इसको हम measure करते हैं। so kilowatt per hour is the unit of the power. and also remember one horse power equal to सेवन हंड्रेड फोर्टी सिक्स किलो राइट सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी द डेप्थ ऑफ द ओशियन इज मेजरमेंट बाय व्हिच इंस्ट्रूमेंट सो रिमेंबर द डेप्थ ऑफ द ओशियन वी मेजर इन दैथोमीटर एंड नाउ हम लोग अभी एक इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं दैट इज सोनार एंड सोनार को भी हम लोग समंदर के नीचे क्या है एंड डेप्थ क्या है इसको भी यूज करते हैं सोनार जो टेक्नोलॉजी यूज करता है अल्ट्रासोनिक साउंड एंड लैक्टोमीटर लैक्टोमीटर बेसिकली हम लोग यूज करते हैं कि दूध के अंदर कितना पानी डाला हुआ है मीन द डेंसिटी ऑफ द वाट मिल्क हम लोग मेजरमेंट करते हैं बाय द लैक्टोमीटर एंड मैनोमीटर हम लोग किस लिए यूज करते हैं टू मेजर द एलुट प्रेसर और प्रेसर डिफरेंस कितना है उसको हम मैनोमीटर में यूज करते हैं सो करेक्ट एंसर विल भीमीटर फैथोमीटर हम लोग क्यू किस लिए यूज करते हैं मेजर द जीरो डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू हाउ मच डिग्री ऑफ दिखो ये सारे दैट इज दी बाई फाइव इक्वल टू एफ माइनस थर्टी टू बाई नाइन इक्वल टू आर बाई फोर आर बाई फोर इक्वल टू के माइनस टू हंड्रेड सेवेंटी थ्री डिवाइडेड बाई फाइव तो ये जो सी होता है सेल्सियस एफ होता है फारेनाइट स्केल आर होता है रिचर स्केल एंड के होता है स्केल। आपको दिया आप नाइन है? है. So, मल्टीप्लाई so, हो जाएगा कितना हो जाएगा जीरो सो दैट इंप्लाइज एफ माइनस थर्टी टू इक्वल टू स्केल में कितना हो जाएगा प्लस थर्टी टू डिग्री फारेनहाइट

अगर इंसुलिन ज्यादा होगा तो आप बहुत ज्यादा काला बन जाओगे और अगर पूछता है कि आपका जो यूरिन होता है उसकी कलर येलो कलर क्यों होता है यूरिन की सो रिमेंबर दैट इज यूरिन की कलर दैट इज द यूरोक्रोम यूरोक्रोम नाम की एक पिगमेंट रहता है अगर पूछता है आपकी जो बाइल होता है पित्त होता है इसकी कलर ग्रीन क्यों होता है सो रिमेंबर दैट इज द बिल्ली रुबिन बिल्ली नाम की एक पिगमेंट होता है और आपका जो प्लाज्मा होता है ब्लड में प्लाज्मा रहता है ये प्लाज्मा की कलर पाइल एलो क्यू होता है पाइल येलो और स्लाइडो क्यू होता है रिमेंबर इट इज द बिल्ली वर्डिन बिल्ली वर्डिन नाम की पिगमेंट ये बिल्ली वर्डिन पिगमेंट जब हो जाता है तो हमको पिल्लिया हो जाता है और जंडिस हो जाता है सो रिमेंबर दैट इज द इंसुलिन दैट इज मेलानिन दैट इज द मेलानिन ओके मेलानिन नाम की जो होता है पिगमेंट ये हमारा शरीर को गोरे और काले बनाते हैं व्र इज द जीन लोकेटेड जीन कहां पर लोकेटेड होता है सो रिमेंबर जीन इज लोकेटेड इन द क्रोमोजोम क्रोमोजोम एंड माइक्रोक्रिया इसको हम लोग बोलते हैं द एनर्जी हाउस ऑफ द सेल कोस की शक्ति केंद्र इसको बोलते हैं एंड जो एटीपी होता है एडेनोसाइन ट्राइप इसको बोलते हैं द एनर्जी करेंसी एनर्जी करेंसी एंड लाइजोजोम को बोलते हैं ग्रेव्य ऑफ द सेल्स सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी बेसिकली जीन कहाँ पर लोकेटेड होता है क्रोमोजोम एंड रिमेंबर हमारा शरीर में ट्वेंटी थ्री पेयर तेईस जोड़ा जीन रहता है जिसमें से बाईस जोड़ा रहता है जिसमें से ट्वेंटी टू पेयर रहता है क्रोमोजोम एंड टू पेयर रहता है एलोजोम ये जो एलोजम रहता है इसको हम सेक्स क्रोमोजम बोलते हैं जैसे कि सेक्स क्रोमोज देखो ये जो बाईस जोड़ा क्रोमोजोम जैसे कि मेल के पास एक्स वाई रहता है एंड फीमेल के पास एक्स एक्स रहता है दैट इज द सेक्स क्रोमोजोम सो रिमेंबर टोटली ट्वेंटी थ्री पेयर क्रोमोजोम अवेलेबल इन ह्यूमन बींग्स थैंक यू एवरी वन थैंक यू सो मच